हाँ भाई, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मोहम्मद अयास। मोहम्मद अयास, कौन सी जेल में हो? सेंट्रल जेल में सर। सेंट्रल जेल से आए हो? तो आज क्या पोजीशन है आप कोई कुछ बताओगे आप? क्या 200 रुपए दे के हम 3 बंदे बनकर आए। 200 रुपए दिए? तो अगर 500 रुपए दो तो सिंगल बांध के बेचते जी। 500 रुपए दो तो सिंगल बांध के बेचते, नहीं दो तो 10-10 बंदे वो बांध के बेचते। अच्छा, इनको पैसे चाहिए हर जगह, यहाँ से लकब में। ये कौन लेता है आपसे? जेल वाले लेते हैं या यहाँ के लकब वाले लेते हैं? लकब के इंतजाम में ये लेते हैं। सिटी कोर्ट वाले? अच्छा। ये भी जाएंगे गेट पे, नीचे 100 रुपए दो, ऊपर अकड़ी खुलवाने वाले को 100 रुपए दो, अकड़ी लगाने वाले को 100 रुपए दो, ताला खुलवाने वाले को 100 रुपए दो, गाड़ी में बिठाने वाले को 100 रुपए दो, जेल में तलाशी लेते हैं। नंगा करके? हाँ, कपड़े उतार के तलाशी लेते हैं भाई। कौन? ये पुलिस वाले सारे लॉकअप वाले जी। अच्छा, अभी भी नंगा करते हैं? बिल्कुल, आदमी तो लॉकअप में आके चक्कर मारे आपको पता चले। अच्छा, नहीं दो पैसे मारते हैं, तशद्दुद करते हैं जी। हाँ, डंडे से पाइप से, पाइप रखे हुए, इन लोगों ने उधार रखे हुए, चित्तर रखे हुए, मारते हैं लोग। अच्छा, जब भी मना करते हैं कि कैमरा नहीं लाया हो, कोई नहीं लाया है, आईजी ने मना किया है, जिसकी मुलाकात है उसको बिठाएंगे, नहीं तो उसको ले जाके बंद करेंगे। लॉकअप ही नहीं निकालते, वारंट ले आते, तारीखें लेके ले जाते हैं अंदर, अदालतों में पेश नहीं करते हैं। यहाँ आने के बाद सिटी कोर्ट के लॉकअप में आने के बाद जी? हाँ। अच्छा, और जो पैसे देते हैं वो तो बैठे हैं आपके सामने, हम लोग 200 रुपए देकर आए, 3 बंदों में बांधे, फिर भी हमारे को 200 रुपए देने के बावजूद। और जिसने पैसे बिल्कुल नहीं दिए उनका? 10-10 बंदों में वो भी इधर ही आपको नजर आ जाएंगे, आप देख लो। वो 10 बंदे 12 बंदे की 15 बंदे की चेन में आते हैं, अजाब में आते हैं जी। और वो भी कस के बांधते हैं ताकि उनको बांधते हैं। देखिए ना क्या हालत, आज सुझाव है हमारे सर, ये लाल हो गई आपकी ये कसूर, ये 200 के बावजूद। और जो पैसे नहीं देता उसका तो क्या हाल कर देंगे? क्या हाल? चलो, अल्लाह। आपके कोई कभी विजिट करने कोई आया, यहाँ देखने आया कोई? यहाँ कोई जिम्मेदार, कोई जज साहब या कोई अफसर ह्यूमन राइट्स का? आपको पता है कौन है ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन कौन है? आपको पता है? वो बिलाल भुट्टो जरदारी साहब हैं, आपके ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन। कभी उनको खत लिखा आपने वहाँ पे? आप बताओ ना, उसके रास्ते बहुत सारे हैं, आप उनको लिखो। काफी और हैं ह्यूमन राइट्स के वो इदारे हैं, मिनिस्ट्री है, चीफ जस्टिस साहब हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन के वो हैं, कमेटी बनी हुई है, हर जिले में है डीजे, उसको लिखें आप, रिटर्न में एप्लीकेशन लिख के दें कि ये हमसे जिलों में पैसे लेते हैं। आप क्यों नहीं करते? वो अगर दरखास्त लिख के हम दे लेंगे खिलाफ, तो स्टैंप के बगैर पेशकार साहब नहीं लेते, और इनको अगर स्टैंप लगाने के लिए दो तो दरखास्त पढ़ के दरखास्त काट कर लेते हैं। अच्छा, ये भी इशू है कि दरखास्त 56